हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम जा रहे हैं न्यू दिल्ली से रानी कर्णवती स्टेशन यानी भोपाल, और अभी हम विश्राम गृह में रुके हुए थे, तो यहाँ एक घंटा हमने आराम किया। उसके बाद मेरी ट्रेन का टाइम हो गया था, तो इसलिए मैं बाहर आ गया था। और यहाँ पे एक घंटे का प्राइस है 10 रुपये, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में, अभी मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा। तो ये देखो आप, यहाँ पे 10 रुपये लिखा हुआ प्रति घंटा। और इसके बाद आप अंदर का व्यू देखो, बहुत अच्छा है और बैठने की सुविधा भी अच्छी है। और अब मैं यहाँ पे देख रहा था टीवी, जिसमें मैच चल रहा था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। और इसके बाद हम यहाँ से निकल गए हैं और अपना बैग चेक करवाए हैं यहाँ पे। और बैग चेक करवाने के बाद अब हम यहाँ से निकलेंगे 5 नंबर स्टेशन पे, जहाँ पे हमारी ट्रेन आएगी, और वहाँ पे हम जाके अपनी ट्रेन में बैठेंगे। इसके बाद हम लिफ्ट से नीचे उतरने के बाद, और हमारी ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म नंबर 5 में खड़ी हुई है। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन है ये न्यू दिल्ली में, और ये हमारी ट्रेन खड़ी हुई है वंदे भारत एक्सप्रेस। और इसके बाद हमारी बोगी पीछे साइड में लगी हुई है, तो अभी हम उसमें जाके बैठेंगे और आपको पूरा ट्रेन का डिटेल बताएंगे, स्पीड बताएंगे। तो आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में और देखते रहें, आपको पूरे डिटेल में पूरा चीज़ दिखाई जाएगी, खाने का सिस्टम क्या है। मैंने इसमें खाने का नहीं लिया है, सिंपल टिकट लिए। इसमें अपन टिकट के अंदर ही खाने का इंक्लूड कर सकते हैं, जो मैंने नहीं किया। और उसमें मैंने अलग से 100 रुपये पे किया था, जो थोड़ा सा मैंने नाश्ते के तौर पे यूज किया है, और बाकी लोगों ने खाने का भी किया था, लेकिन मैंने नहीं किया खाने का। तो अभी आपको अंदर दिखाते हैं। और मेरा बोगी नंबर है C13 और सीट नंबर 4 है, तो अभी हम उसमें जाके बैठेंगे और आपको पूरा डिटेल में दिखाएंगे, इनका बाथरूम से लेके हर चीज़। ये वंदे भारत एक्सप्रेस का टॉयलेट है, आप देख सकते हैं कितना साफ सुथरा है। और इसके बाद आपको यहाँ पे पुलिस की सुविधाएं मिलती है। और ये रहा खाना गर्म करने का सिस्टम, और ये रही हमारी सीट जो 4 नंबर है। मेरे को लगा यहाँ पे स्लीपिंग का है सीट होगी, लेकिन इसमें बैठ के जाने का है। सीट ज़्यादा कंफर्ट नहीं दे रही है, लेकिन जब भी ठीक है, टाइम से पहुँचाने का सिस्टम है इसमें। मेरे को फर्स्ट टाइम, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि इसमें जाके ट्रैवल करूँ, तो आज जाके वो मौका मिला है तो ट्रैवल करने का, तो आप देख सकते हैं। और ये हमें चाय का कप मिला है, जो इसमें लिखा हुआ वंदे भारत एक्सप्रेस। और उसके बाद थोड़ी देर में हमारा नाश्ता आ जाएगा, तो वो भी हम दिखाएंगे आपको कि नाश्ते में क्या क्या इंक्लूड है, मिल रहा है। इसमें आपको चार्जिंग पॉइंट नीचे वाले साइड में मिलेगा, यहाँ पे आप चार्जिंग कर सकते हैं। आपको याद रखना, यहाँ पे चार्जिंग का सुविधा आपको नीचे दी गई है, तो अपना आप चार्जिंग लेके आना, यहाँ चार्ज कर सकते हैं। और इसकी यह हाईएस्ट स्पीड है इसमें 160, इसके ऊपर नहीं जा रही ट्रेन। और इसके अलावा यहाँ से लेके आगरा तक गाड़ी की स्पीड इतनी है, 160 समथिंग चलती है। उसके बाद आगे इसकी स्पीड 130 से 140 समथिंग इस स्पीड से चलती है यहाँ से। तो ये हमारा खाना आ गया, आप देख सकते हैं, ये यहाँ की टीटी है मैम, ये देख सकते हैं आप, ये हमें गरम पानी मिला है यहाँ पे। मैम मसाला चाय डालेंगे,
और इसमें हमें डाल के से घोल देंगे। वैसे टेस्ट बड़ा प्यारा था इसका, अच्छा लगा इसको पी के, टेस्ट अच्छा था मसाला चाय का। और इसके बाद हमें ये एप्पल का फ्रूटी टाइप का मिला था और एक गजक टाइप की मिली थी ये जो रखी हुई सामने। आपको मैंने बताया था यहाँ गर्म करने का ये सिस्टम यहाँ पे है। और दूसरा टॉयलेट ये रहा जो नॉर्मल टॉयलेट है, लेकिन ये भी साफ सुथरा है, अच्छा है। जो लोग बच्चे लेके ट्रेवल करते हैं उनके लिए सुविधा है, आप उनको लेके यहाँ पे भी बाथरूम में भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये उनको रखने के लिए रखा हुआ है। ये हमारी लास्ट आइसक्रीम है और इसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं और हम रानी कमलावती स्टेशन पहुँच गए हैं और यहाँ से हम आपसे अलविदा लेते हैं।